सर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ से, और ग्रेटर नोएडा यानी कि शो विंडो, उत्तर प्रदेश की शो विंडो कही जाने वाले शहर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है, तो नोएडा की इसमें क्या प्रतिभागिता होगी? इंटरनेशनल ट्रेड शो में नोएडा के लिए 1,000 वर्ग मीटर का एक जो जगह मिला है हमें, तो नोएडा में जितने भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज का वहाँ पर एक शोकेस का एक यू नो रूम्स होगा, और नोएडा अथॉरिटी का भी अपना एक स्टॉल होगा। तो हम अपना स्टॉल के माध्यम से वहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उनको हम यू नो बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लैंड अलॉट हो रहे हैं कमर्शियल में, इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्री में, हाउसिंग में, उसमें हमारा पॉलिसी क्या है, और अगर हम लोग आईटी फर्म्स का अगर यू नो लैंड अलॉट कर रहे हैं उसका क्या, हम लोग गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जितने भी हमारा जो मेजर प्लेयर्स है बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं डेटा सेंटर्स का, आईटी कंपनी, आईटीएस कंपनीज का, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज का, वो सारा वहाँ पर अपना शोकॉस कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भी अन्य जो एमएसएमई से उनको भी हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। तो इस इंटरनेशनल शो में नोएडा आज तक जो भी यू नो प्रमोट कर रहे इंडस्ट्रीज उसका एक प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे ताकि वो लोग अपना प्रोडक्ट्स शो करें, और इस माध्यम से हम लोग चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे नोएडा में आ जाए इन्वेस्ट करें। सर इसके अलावा बाहर के लोगों को नोएडा में इन्वेस्ट करने के लिए जैसे कि आपने बात की, इसके अलावा नोएडा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये B2C भी है तो वो अपनी प्रतिभागिता दिखाए, उनको क्या संदेश? B2B भी है और B2C भी है। तो B2C बेसिकली बिजनेस टू कस्टमर है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने से अन्य एंटरप्रेन्योर्स है नोएडा में जो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं उनको भी हम उस दिन इंटरनेशनल शो में जो हमारा जो एग्जीबिशन है उसमें क्या क्या हमारा पॉलिसी के माध्यम से क्या मतलब हेल्प मिलेगा वो हम बताएंगे पब्लिक को और एंटरप्रेन्योर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।